नवरात्रे चल रहे हैं, कई घरों में अभी भी लोग पी के पड़े होंगे। माताएं बहन कहेंगी हमने कलश स्थापना की है, बहुत अच्छी बात है, और भैया ने किसकी स्थापना की है जरा पूछ तो लो हस्बैंड से। तुम्हारे घर में घट स्थापना हो रहा है, कलश स्थापना हो रहा है, और उनके घट में मध्य स्थापना हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको माया ने पकड़ा हुआ है। देखो एक बात हमने बहुत अच्छी पढ़ी थी एक जगह, बताएं कि नहीं, अपने आप पता चल जाएगा व्यक्ति कौन स्वर्ग से आया है कौन नरक से आया है। अब यह कैसे पता चलेगा कि स्वर्ग से आया कि नरक से आया है? लगेगा, लगेगा। सत्संग में जाओ यह पता लग जाएगा कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया कौन व्यक्ति नरक से आया। बताएं, बहुत बड़ी बात है अगर ध्यान दें तो, और नहीं दें तो बहुत कुछ तो ऐसे निकल ही जाता है। दें, ध्यान दोगे? बताएं, सुनो, पहले बताते हैं कि कौन व्यक्ति नरक से आया है तो कैसे पता चले। जो कोई व्यक्ति हमेशा आलस्य में पड़ा रहता हो समझना नरक से आया, देर से स्नान करता हो समझना नरक से आया, पूजा पाठ माता पिता के आदर धर्म और भगवान को दूर से ही भाग जाता हो, कथा सत्संग प्रवचन में उसका दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, माथे पे तिलक गले में कंठी हाथ में कलावा और सिखाना हो, मद्यपान में मस्त मांस मदिरा खान पान में मस्त रहता हो, हमेशा दूसरों की चुगली में व्यस्त रहता हो, भयंकर क्रोध करता हो, जो भयंकर क्रोधी हो बात बात पे लड़ता हो, सभी अहंकार के साथ जीवन जीता हो समझना ये नरक से आया, उसे समझ लो वो नरक से आया। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की पहचान क्या है? स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति विनम्र होता है, पूजा पाठ करता है, माता पिता गुरुजनों का आदर करता है, धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, धर्म की कभी अवहेलना नहीं करता, धर्म की निंदा नहीं करता ना सुनता, उनकी वाणी में बड़ी विनम्रता होती है, वो बात बात पे क्रोध नहीं करते, वो किसी से लड़ते नहीं, कोई लड़ने की वजह भी ढूंढ ले तो बचने की कोशिश करते हैं, माथे पे तिलक गले में कंठी हाथ में कलावा मुख पे भगवान का नाम जिसके दिखे समझ लेना ये स्वर्ग से आया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वर्ग नरक दोनों जगह से आते हैं, हाँ कुछ समय स्वर्ग कुछ समय नरक, तो उन्हीं में अपने आप को रखना। हम जैसे लोग दोनों जगह के होके आए, पूजा में जब फ्री होते चले भी जाते हैं और बीच में जब फोन आ जाए तो उठ के भी चले जाते हैं, तो ये क्या है? ये स्वर्ग नरक दोनों में से आए। माथे पे कभी तिलक पूजा पाठ हुई तो लगा लेते, नहीं तो नहीं लगाते, समझना दोनों से आया। कभी कभी क्रोध भी करते लेकिन क्रोध के बाद भी क्षमा मांग ले, भैया हमसे ऐसा भूल गया भाई माफ कर दो, तो समझ रहे दोनों से आए, समझ रहे? तो तीन प्रकार के लोग हैं, एक तो दोनों जगह से आए, एक एक ही जगह से आए, और एक एक जगह से आए। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे यहां पर बैठा हुआ हर सदस्य आया चाहे जहां से भी हो पर जाए ठाकुर जी के ही धाम में, सिर्फ गोविंद के धाम में जाए और कहीं नहीं। तो बोले माया है महाराज, ये माया मुझे आके पकड़ लेगी। व्यास जी ने पूछा कोई तो ऑप्शन होगा बचने का? बोले एक ही ऑप्शन है, स्वयं मायापति आकर कहे कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आऊंगा। मायापति आकर कह दे कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। नारायण भगवान ने स्वयं ने कहा तुम आओ तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तुम मेरी माया से विरक्त रहोगे, मेरी माया की पकड़ से दूर रहोगे, मुक्त रहोगे। सावधानी इस बात की रखनी चाहिए मेरे भाई बहन, बहुत सावधानी। ये माया के चक्कर में ही मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जीवन है कितने साल का? अरे मैं कहता हूं 100 साल का। 100 साल में तुम जिए कितने साल? तुम एक समझदार मानव हो, ये तुम्हें समझ कितने दिन रहती है, कितने साल रहती है? मैं गिनाऊं? पहले पहल तो 50% खत्म ही कर दो। अगर तुम 100 साल जिए हो तो 100 तो तुमने 100 के बिताई है, 50 तो भाई आधे समय जगे रहे आधे समय सोते रहे, तो 50 तो खत्म ही कर दो, 50 नहीं तो 40 खत्म करो। हाँ या ना? अगर 100 साल जिए तो 100 के भी तो तुमने 40 साल निकाल दिए, तो 100 में से 40 गई, कितनी बची? 60। और उन 60 में से ईमानदारी से बताओ, पहले 20 साल ये बोध भी था कि मैं इंसान हूं कि क्या हूं, बचपन वाले? ईमानदारी से बताओ, जब तक पत्नी की दुत्कारें थप्पड़ न पड़ते रहे तब तक तो पता ही नहीं चला कि हम पुरुष हैं। जब घर में देवी जी का प्राकट्य हुआ, देवी जी आई और उन्होंने आके समझाया कि तुम पुरुष हो, जिम्मेदारी निभाओ, नौकरी पे जाया करो, काम से हैं, पैसा कमा के लाओ, बच्चे पालो, तब जाके होश आया, अरे हाँ हम कोई बलाए हैं। 20-22 साल बाद ये समझ में आया कि हमें भी जीना है। तो 20-22 साल शुरू के निकाल दो, कितनी बची? 60 में से 20 गए तो जोर से बोलो। 60 साल के बाद की इज्जत बताओ तुम्हारी है क्या? जब तुम्हारा जीवन 60 साल क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी घर की इज्जत क्या है? ईमानदारी से बात, अब ये हम सबके साथ होना है। आज जो जवान है कल उनके साथ यही होना है। इसलिए जो हैं अनुभवी 60 साल प्लस जो यहां बैठे हैं वो थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज। क्यों साहब? आप भी कह सकते सर, कभी नीचे है 60 से? हाँ हो जाओ, भगवान करे तुम भी जल्दी हो 60 के। अब बताइए 60 के बाद क्या वैल्यू है घर में? बहू कहती है रोटी मिल रही है ना टाइम पे, ये घूमने फिरने का टाइम नहीं, कोरोना चल रहा है, घर बैठो चुप, और खुद पर्स उठा के रोज शॉपिंग पे जा रही है। फिर बहू अगर इसे सास पूछ ले अरे तू क्यों जा रही है, तो वो तुरंत पागल हो गया, सब्जी कौन लाएगा, मैं मास्क पहन के जाती हूँ, ड्राइवर के साथ जा, ध्यान रखना पड़ता है, आपसे नहीं होगा। हाँ मैं तू ही जा। 60 साल के बाद अगर 100 साल जिए भी तो वो कम से कम बेइज्जती वाले 20 साल और निकालो। 60 में से 20 ये गए, 20 वो गए, कितने बचे हैं? और इस 20 में भी कितनी साल टेंशन में निकाले, कितनी साल ये सोच सोच के, कितनी बार तो ये ख्याल आ गया जिंदगी सी काम की नहीं, इस संसार में कोई नहीं, न बेटा न बेटी न पत्नी न पति न कोई भी नहीं, कितनी बार ये विचार आया? आप कल्पना करोगे तो पता चलेगा मात्र 10-5 साल ही जिए हो ढंग से, अदरवाइज तो 90 बर्बाद कर दिए, 90 के 90 बर्बाद। उस बर्बादी को अगर आबादी में बदलना है तो एक ही उपाय, राम नाम जपते रहो जब लगे घट में प्राण, दुनिया को मत जपो, राम नाम जपते रहो जब लगे घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पर भनक पर। सिर्फ ये 10-5 साल बचे हैं जीवन के जो अच्छे हैं, उन 10-5 सालों को भगवान के आश्रित होके बिता लो। और मैं तो कहूंगा आज तुम जिस एज में हो उसी एज से समझ लो कि हमारे तो 10 ही बचे हैं।
बचे 10 दिन भी है कि नहीं पता नहीं, उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। आप रखो 10 साल तो अभी हमारे पास है, और ये 10 साल सिर्फ भगवान के लिए जीना है, अपने कल्याण के लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं जीना है। जिस दिन ये निश्चय आ जाएगा, आई प्रॉमिस यू, तुम संसार में जिस दिन भी दुनिया को विदा करोगे, अपने अलविदा कहोगे, सुखी होके जाओगे, दुखी होके नहीं जाओगे।